आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि डोसे बैटर को घर पर कैसे बनाएं, ताकि जब हम डोसा बनाएं तो एकदम करारा कुरकुरा एकदम मार्केट जैसा बने। तो इसको बनाने के लिए डोसे बैटर का परफेक्ट तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही माप के द्वारा इसको आज हम बनाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं। घर पर हम लोग जो नॉर्मली चावल जो यूज़ करते हैं वही वाले मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। और 1/2 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल ली है। और ये वाली जो दाल होती है इससे डोसा जो है वो कुरकुरा करारा सा बनता है। और 1/2 कटोरी से भी कम यानी कि 1/4 कटोरी मैंने ली है चने की दाल। अगर आप इसको टेबल स्पून से नापेंगे तो ये 4 टेबल स्पून चने की दाल है। चने की जो दाल होती है उससे डोसे का कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने चारों चीज़ों को नापने के लिए एक जैसी कटोरी का यूज़ किया है। आप कोई भी कप या कटोरी ले लें, उसी से ही सारी चीज़ों को नापना है। इससे हमारा जो नाप है एकदम परफेक्ट तरीके से रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेथी के दाने। तो यहाँ पे मैंने ये 1 टीस्पून लिए हैं। और जो ये मेथी के दाने हैं वो डोसे बैटर में फर्मेंटेशन का काम करते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर डालिएगा। और सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। और अब इसको 4 से 5 घंटे तक भिगोना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से ही सारी चीज़ों को भिगो के रख दिया था। और सारी चीज़ें दाल चावल जो हैं वो अच्छे से फूल गई हैं। और ये देखिए सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल गई हैं। और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। और अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर ले लिया है। और अब सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे मेथी के दाने जो हमने भिगो के रखे थे। आप इसको ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा ये डोसा बैटर बनके तैयार होगा। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। पानी को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना पतला बैटर बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो आप लोग भी इसको एक बार मेरे तरीके से सही नाप के द्वारा ज़रूर बना के देखिएगा, आपका भी डोसा एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। और ये देखिए इस तरह का ये बैटर बनके तैयार होना चाहिए। और अब मैं इसको एक विस्कर की सहायता से इसको फेंट लेंगे। और आप इसको एक ही साइड में ही फेंटिएगा, आप चाहें तो इसको हाथ से भी 2 से 3 मिनट के लिए फेंट सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसको चलाना नहीं है। इसको एक लिड से कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और अब इसको खोल के चेक करते हैं। और अब मैं आपको ये चला के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बबल्स आ चुके हैं। और जब हम इसको चलाएंगे ना चम्मच से उठा के तो ये रिबन जैसा गिरना चाहिए। और जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फूल गया है। और मैं इस बैटर से 2 बार में डोसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक अलग बाउल में इस बैटर को निकाल लिया है। और बाकी बचा हुआ जो बैटर है इसको हम 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। आप हमेशा नमक बाद में ही डालिएगा, जब आपको बनाने हो तभी इसमें नमक को डालना है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में छोटी छोटी चीज़ें शेयर की हैं। तो अगर आप इसको मेरे तरीके से एक बार डोसा बैटर बना के देखेंगे ना तो आपका भी डोसा बैटर हमेशा एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। कभी भी आपका डोसा जो है वो ख़राब नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। और अब मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है जिसके ऊपर पानी की छींटे डाल के एक कपड़े से पोंछ दिया है। और अब मैं इसको डोसे बैटर को फैला दूँगी। इस तरीके से हमें इसको फैलाना है, ये देखिए। और ऊपर से डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको अच्छे से फैला देंगे। और आप देखेंगे 1 से 2 सेकंड में ही ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर आ चुका है, ये चिपका नहीं है नीचे से, ना ही ये टूटेगा ना ही फटेगा। तो आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।